आंखें खोले भोलेनाथ, और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? काहे झूठ बोलत हैरी पर्वतिया, खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है? तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता काहे? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे, सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ इका विश्राम कर लेने दो, आओ चलो रे। चलो चलो रे चलो पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। चल तुमने सत्य ही कहा था पार्वती, तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो? तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया है, पर्वतिया। हाँ तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? भैया री भैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ कोई सुनेगा तो का कहेगा? इनार एक अनजान पुरुष से खुसुर पुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का?
पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही हैं महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो, पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकार वश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उसे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत कौन हो तुम। अरे और भी बहुत कुछ कह रहा। कहती है हम पार्वती नहीं पर्वतिया है, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि दो दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान ले कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक वनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक वनवासी कन्या बनी हुई। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है? मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देवऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश अदृश्य है। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है। तो मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसा स्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिकमणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप और नृत्य विग्रह की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए, उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गए रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए, ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ लौटा दूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कदापि नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश, किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगी। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ, और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए? उनमें और मुझमें अंतर है। क्या अंतर है? वे
केवल रसिक, मैं महारसिक, वे केवल धन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हट योगी पधारे। केवल योगी कहना ही पर्याप्त होगा। महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ, रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुणा अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये चार कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें। देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, ये रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना ना पड़े। प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकारे हो, बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वही जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं, दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। देवर्षि, कहीं आप हम भाइयों के साथ विनोद तो नहीं कर रहे? ये विषय विनोद का नहीं है कुमार कार्तिकेय। ओ
कार्तिकेय, हमारे माता पिता दोनों विचित्र वेशों में विचित्र स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका पता बताता हूँ। आप पिता के पास पहुँचो, मैं माता के पास पहुँचता हूँ। लेने के पश्चात मैं अपना सब कुछ पिछला भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मन केवल 3 दिन के लिए आपकी पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए आपके चरणों की दासी बनना चाहता है। नहीं देवी, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं। मैं विवाहित और एक पत्नी व्रता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो केवल तुम्हारी शिव भक्ति की कीर्ति सुनकर एक भक्तिमती नर्तकी के मन की माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव माँ। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे, हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज, भक्तन की सुधि बुधि नाही बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे, तुम हमरे भगवान हो और हम तुहार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तुहार पूजा करें, तुहार गुण गाएं। अरियो चंपा, कनेरी सुमेरी सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे, हमार तो भाग्य खुल गए हो, आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती में, इनकी पूजा करबे। जय गणेश जी। पार्वती। प्रणाम रानी माँ। आयुष्मान भव, हमसे भी पहले पहुँच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा, फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए। परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी, कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती। पुत्री पार्वती। प्रणाम महारानी जी, हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देखकर आ रहा हूँ वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिके, अब जो कुछ भी देखकर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिके, श्री गणेश आप। देव ऋषि,
एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। अरे आज हमार घर द्वार मा महारानी आई हैं। इनका स्वागत होवे का चाही। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया मा पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण, ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिव लीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण। गणपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्धि के निधान हैं, भला मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? भैया गणेश, मैं स्वयं अपनी आंखों से उस नर्तकी महानंदा की दृष्टता देखकर आ रहा हूँ। वो पिता शिव शंकर को मोहित करने की चेष्टा कर रही थी। ये सब देख कर मैंने स्वयं पर संयम रखा, अन्यथा। भैया कार्तिके, ऐसी विषम स्थिति में रोज से नहीं चतुराई से कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपने संयम रख कर उचित ही किया है। उचित कार्य तो हमने कर दिया भैया गणेश, पर हम ये नहीं समझ सके अब तक कि पिताश्री ने वहाँ जाकर यह अनुचित कार्य क्यों किया। हो सकता है पिता शिव शंकर का महानंदा के पास जाने का विशेष उद्देश्य रहा हो। विशेष उद्देश्य? वो क्या हो सकता है? नहीं नहीं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है और वो है माता को पीड़ित करना, बस। क्या हमारे पिता हमारी माता को पीड़ित करेंगे? किया तो है। नारायण नारायण, आप दोनों भ्राता माता पिता को लेकर विवाद में जुट गए, किंतु पहले ये तो ज्ञात कर लो कि माता पार्वती को इस सत्य का ज्ञान है अथवा नहीं कि भगवान भोलेनाथ महानंदा के यहाँ विराजमान है। देवर्षि, माता की स्थिति तो और भी विषम और घातक है। वो कैसे? वे तो सभी से संबंध तोड़ चुकी है। नहीं नहीं, यह असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी है। नारायण नारायण, कुमार कार्तिकेय, कभी कभी हम सब किसी बात अथवा घटना का अर्थ लगाने में शीघ्रता, उत्तेजना और भावना से काम लेते हैं और यहीं पर हम भयंकर भूल कर बैठते हैं, कारण कि हमारी यही उत्तेजना और शीघ्रता हमें अर्थ को स्पष्ट देखने ही नहीं देती। जो दिखाती है वो अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। इसीलिए स्थिति पर धैर्य पूर्वक विचार करना अति आवश्यक होता है। तो देवर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? गणपति महाराज, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, ऐसे में किसी के किए कुछ नहीं होगा, ऐसे में तो नारद को ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण, अब मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सभी को पहचान योग्य बनाने की योजना पूर्ण करूंगा। Oh,
नमः।